हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनकुल एकेडमी पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया खबर, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने डी फार्मा बी फार्मा किया है और वह सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं। तो मैं आपके सामने उस आर्टिकल की चर्चा करूँ, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधे उस आर्टिकल पर ले जाता हूँ। ये देखिए, तो यह है वह आर्टिकल जो कि 13/8/18 को जारी किया गया है और इसमें निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन जारी किया गया है। बेसिकली ये 2014 की वैकेंसी है जो कि 2018 में जारी की जा रही है। तो देख लीजिए, 4 साल बाद ये वैकेंसी जारी की गई है हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पद का नाम फार्मेसिस्ट है। ये देखिए, पद का नाम फार्मेसिस्ट है और विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ये इस में पदों की दो भाग में बांटा गया है। इसमें देखिए, दो भागों में बांटा गया पद है ये। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र की पद संख्या 1538 और अनुसूचित क्षेत्र की पद संख्या 198 है। ये देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और इसमें आवेदन करने वाले की आयु निर्धारित भी कर रखी है। देख लीजिए, ये निर्धारित कर रखी है ये आयु, ये आपको दिख रही है। जो न्यूनतम है वो 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो थी आयु की बात। और चलिए मैं आपको अब क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, क्वालिफ़िकेशन के बारे में थोड़ा नीचे आए। हाँ देखिए, अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि रजिस्टर्ड फार्मेसी कॉलेज से की हुई होनी चाहिए और उसको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान कल्चर के भी ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं आवेदन की अवधि। अब जो आवेदन की जो अवधि है सर, वो ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 16/8/2018, मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 16/8/2018 मध्य रात्रि 12 बजे से 15/9/2018 की मध्य रात्रि 12 बजे तक भरे जा सकेंगे। और परीक्षा का जो शुल्क है वो दिनांक 16/8/18 मध्य रात्रि 12 बजे से और 15/9/18 की मध्य रात्रि 12 बजे तक ही जमा होंगे। और अगर आप उसका पेमेंट जो है ई मित्र से कर रहे हैं तो वो सिर्फ 8 बजे तक ही आप कर पाएंगे। और आवेदकों की जो सलाह है, जो अंतिम दिनांक है उसका इंतज़ार ना करें, निर्धारित समय से पहले ही आप अपना फॉर्म भर दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साइट चल नहीं पा रही होती है, हमारा सर्वर डाउन हो जाता है और कई और अन्य कारण होते हैं जिसकी वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो बेहतर यही रहता है कि हम निर्धारित समय से पहले फॉर्म भर दें। और अब अन्य बिंदु की मैं आपको सूचना दूँ तो देखिए, जो परीक्षा का जो शुल्क है और आवेदन प्रक्रिया है और आरक्षित पदों की वर्गीकरण, आयु व छूट प्रावधान एवं परीक्षा की स्कीम इत्यादि की सूचना डिटेल रूप में जो बोर्ड की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके दिख रहा होगा, www.rsmssb.rajasthangovernment.in पर अलग से उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस परीक्षा के संबंध में समय समय पर जारी सूचनाओं के को बोर्ड के वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं आप। और आपको अगर कोई और चीज़ में डाउट है या आपको कुछ चीज़ पर्सनली कुछ किसी से पूछना है तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है। ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो आप इसको आर्टिकल को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, जो कि नंबर मैं आपको बोल के बता देता हूँ, जो नंबर है 01412722520। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 01412722520 पर आप संपर्क करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरी तरफ से पूरी दी है और जो इस आर्टिकल को जितना मैंने पढ़ा है, जितना समझा है, उस हिसाब से मैंने आपको पूरी नॉलेज दी है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको वो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।